पहला प्रश्न ये उठता है कि हवा कैसे चलती है, तो हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी पे जो हवा का वितरण है वो कैसे चलती है, क्षैतिज रूप में चलती है, ऊपर से वायु दाब का प्रेशर होता है और हवाएं चलती रहती हैं। फिर आगे देखेंगे वायु दाब कैसे मापा जाता है, बैरोमीटर क्या है, वो सब बाद में पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ेंगे हवा क्या है, ये हम लोग कल की वीडियो में पढ़ लिया था, कल शायद आप लोग को भी याद हो, कल मतलब सैटरडे को। हवाएं कैसे चलती हैं, हवा किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलती है, हमने ये बताया था हवा सदैव उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलता है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलता है। और क्या लिखा हम लोगों ने प्रारंभ में, पढ़ते जल्दी नहीं पढ़े, आगे पढ़िए। हाँ आज का देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवा में घुमाव आता है, घुमाव को विक्षेपण कहते हैं, विक्षेपक बल का माने विक्षेप होता है, विक्षेप माने हवाओं में घुमाव या मोड़ पड़ जाता है। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हवाएं जब चलती हैं उनमें क्या हो जाता है, घुमाव पड़ जाता है, विक्षेपक हो जाता है। ठीक, ये सबसे पहले कोरियालिस नामक वैज्ञानिक ने या भूगोलवेत्ता ने बताया था, इसलिए इसे कोरियालिस बल या कोरियालिस फोर्स के नाम से जानते हैं। माने पृथ्वी का पे जो हवाएं चलती हैं उनका जो घुमाव होता है उसे क्या कहते हैं, कोरियालिस बल कहते हैं। ठीक, समझ में आप लोग को। लेकिन इसमें उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाई तरफ, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाई तरफ घूम जाती हैं, यह सबसे पहले फेरस ने बताया था, इसलिए इसे फेरस का नियम भी कहते हैं। ठीक, फेरल का नियम भी कहते हैं। ठीक, क्या था, यह दो चीजें मिला, कोरियालिस बल हवाओं का विक्षेपण या घुमाव पृथ्वी के घूर्णन कारण, दूसरा उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने दाएं तरफ घूम जाती हैं जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाई तरफ घूम जाती हैं, इसे क्या कहते हैं हम। ठीक, अब यहाँ पे हमें आपको ये वाला अगर आपने नोट कर लिया होगा तो इसको भी पुनः मैं बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको साथ में पता भी चले मैं क्या बता रहा हूँ, क्या चीजें हैं दोनों में, क्या डिफरेंट है। देखिए ये पृथ्वी होगी आपकी, माना है पृथ्वी, ये 0 डिग्री से 5 डिग्री, आगे पढ़िए आगे क्या था, हमारा है पता रही है, यह शक्तियां दो तरह से कार्य करती हैं, एक होता है दाप्रवणता पर, एक कोरियालिस बल। दाप्रवणता क्या, जब ऊपर से प्रेशर बनता है, प्रेशर के कारण हवाएं अपनी दिशा में घुमाव हो जाता है। जैसे दाप्रवणता का मतलब ये होता है एक पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवाएं घूमती हैं, दूसरा जब सूर्य किरणें धरातल पर चमकती हैं, धरातल को गर्म करती हैं, गर्म करने के बाद वहां पे कौन सा प्रेशर बनता है, लो प्रेशर, निम्न वायु दाब बनता है। तो निम्न वायु दाब के होने की वजह से हवाओं में घुमाव या विक्षेपक काम करता है। जैसे अगर जिस दिशा में हवाएं चल रही हैं पश्चिम से पूर्व तरफ, लेकिन अगर पूर्व की जगह उत्तरी तरफ निम्न वायु दाब बन जाए, हवा दिशा क्या होगी, बदल जाएगी, पश्चिम से उत्तर हो जाएगी। ठीक, क्योंकि ये तापमान पे काम कर रही है, एक तो दाब प्रवणता पे नियम पे, दूसरा किस पर, विक्षेपक पे। ठीक, आगे हवाएं का प्रकार प्रचलित हवा होती है, जैसे भूमंडलीय प्रवाह कहते हैं, माने ऐसी हवाएं जिनका वितरण पूरे ग्लोब पर हो और सतत रूप से वो अपने क्रम में अपने दिशा में चलती हैं, उन्हें प्रचलित हवा या भूमंडलीय हवा कहते हैं। जैसे व्यापारिक पौने, पछुआ पौने, ध्रुवी पौने, ये हवाएं ऐसी हैं जो पूरे ग्लोब पर इनका वितरण वर्ष भर इसी अनुपात में रहता है। ठीक, ये वर्ष भर एक ही दिशा में घूमती रहती हैं, इसलिए इसे भूमंडलीय हवा कहते हैं। वो हवा कौन कौन सी है, व्यापारिक हवा, पछुआ हवा और ध्रुवीय पौने। अब इनके बारे में और चर्चा करते हैं। ठीक, आगे बढ़िएगा। देखिए अब व्यापारिक पौने कहाँ कहाँ चलती है, इसको भी साथ में पढ़ते हुए चलते हैं। हमने कल देखा था, अगर कल का मतलब पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था और आपने भी देखा था अगर आपको याद होगा, तो जो 0 डिग्री था हम लोगों ने पढ़ा था पहले, 0 डिग्री क्या कहते हैं, ये है 0 से 5 डिग्री। तो 0 से 5 डिग्री कहते हैं विषुवत रेखी निम्न वायु दाब पेटी, क्या कहते हैं, विषुवत रेखी निम्न वायु दाब पेटी। यह 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे होता है। इसका मामला क्या होता है, जब सूर्य किरणें इस बिंदु पर सीधी पड़ती हैं, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, इसलिए यहाँ पे निम्न वायु दाब या लो प्रेशर बनता है। कौन सा बनता है, निम्न वायु दाब या लो प्रेशर बनता है। हवाएं ऊपर रूप से खाली सीधी निकल जाती है, इसलिए वहां पे शांत माहौल होता है, शांत पेटी होता है, इसलिए इसे डोलड्रम या शांत पेटी भी कहते हैं। डोलड्रम या शांत पेटी भी नेताजी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक,
और आगे फिर हम लोगों ने देखा कि जब यहाँ पे निम्न वायु दाब बना इसके ठीक ऊपर 30-35 ऊपर 30 डिग्री से 35 डिग्री ऊपर 30 डिग्री से 35 डिग्री नीचे यहाँ पे क्या बनेगा उपोष्ण उच्च वायु दाब क्या बनेगा उपोष्ण उच्च वायु दाब 30-35 ऊपर माने दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री पर उपोष्ण उच्च वायु दाब बनेगा जब यहाँ पे उच्च वायु दाब यहाँ पे उच्च वायु दाब बीच में निम्न वायु दाब हवाएं किधर किधर चलेंगी उच्च वायु दाब से उच्च से निम्न माने हवाएं ऊपर से नीचे चलेंगी तो ये हवा इस तरह से आएगी लेकिन फिर हमने क्या पढ़ा है फिर आता है फेरल का नियम और फेरल का नियम क्या है हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ माने हवा सीधी नजर कैसे हो जाएगी दाईं तरफ घूम जाएगी देख रहे हैं हवाएं किधर घूम जा रही है अपने दाईं तरफ नहीं दिख रहा है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं ज्यादा तो सीधा था लेकिन हवाएं कहां घूम जा रही है बाई तरफ घूम जा रही इन्हीं हवाओं को हम व्यापारिक पवन या ट्रेड विंड्स कहते हैं इन्हीं हवाओं को क्या कहते हैं हम व्यापारिक हवा कहते हैं कौन सी हवा जो उपोष्ण उच्च कटिबंधीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की निम्न वायु दाब पेटी की तरफ बहती है उसे हम व्यापारिक हवा या व्यापारिक पवने कहते हैं माने 30-35 से लेके 0 डिग्री तक बहने वाली हवा को हम व्यापारिक हवा कहते हैं अब फिर प्रश्न उठता है बड़ा विकास बताइएगा व्यापारिक हवा इसे क्यों कहते हैं इसका कोई और नाम रख देना चाहिए था रामू हवा श्यामू हवा मंगरू हवा कल्लू हवा क्या जरूरत है इसे व्यापारिक हवा ही नाम रखने की क्योंकि जब व्यापारी आते थे वो अपने नाव पहले जमाने में तो स्टीमर पानी वाली जहाज जलपोत ये सब तो थी नहीं तो क्या था हवाएं नाव थी नाव पे पाल बांधते थे पाल का मतलब कुछ और मत समझिएगा पाल मतलब कपड़े का होता था ठीक तो पाल बांधते थे हवा जब चलती थी तो पाल पे प्रेशर पड़ने के कारण हवाई गति क्या होती थी नाव की गति तीव्र होती थी तो उनके व्यापार करने में उनके नाव को बहने में ये हवाएं मददगार होती थी इसलिए इन्हें व्यापारिक पवन या व्यापारिक हवा कहते थे ठीक फिर आगे हम लोगों ने देखा था इसके बाद हम लोगों ने एक बात और पढ़ा था अश्वच्छांद अश्वच्छांद किसे कहते हैं राजा ना बताइए या तो पढ़ लीजिए या तो मोबाइल चला लीजिए दो में से करिए बताइए अभी आप कहेंगे 5 मिनट बाद आपको नहीं समझ में आया तो फिर हम कैसे बताएंगे बताया कोई अश्वच्छांद विकास अश्वच्छांद क्या होगा फिर मैंने एक लाइन और बनाया था एक रेखा देखी थी एक समतल रेखा माना ये पृथ्वी का समतल बिंदु है ये हो गया 0 डिग्री से 5 डिग्री इधर 5 डिग्री इधर इसे क्या कहेंगे भूमध्य रेखी ये हो गया भूमध्य रेखी विषुवत रेखी निम्न वायु दाब पेटी यहाँ पे बनाते 30-35 ठीक ये बना लेते हैं नॉर्थ ये बना लेते हैं साउथ अब निम्न वायु दाब से माने यहाँ से हवाएं उठकर कहाँ जाएंगी ऊपर की तरफ जाएंगी मतलब पृथ्वी से ऊपर यहाँ से हवाएं ऊपर उठी कहाँ जाएंगी आगे कहीं बैठेंगी कहाँ पे जहां पे बैठेंगी उच्च वायु दाब जहां से उठेंगी वो तो हवा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब चल 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 एक ही तरफ चल रही है हमने क्या देखा हवा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब तरफ चल रही है ठीक अब एक बात और उठा कि जब हवा यहां से हल्की होकर उठ रही है इस स्थान को 0 से 5 डिग्री वाले क्षेत्र को हम ये कहते हैं कि यह है डोलड्रम क्या ये डोलड्रम और जहां पे बैठती है अब बैठने से क्या होगा यहां पे वायु दाब अधिक होगा जब वायु दाब अधिक होगा दाब बढ़ेगा जब दाब बढ़ेगा तो यहाँ पे जो नाव चलती थी या जो व्यापारिक व्यापार करने के लिए अपने नाव को लेकर आते थे अपने पानी वाले जहाज को लेकर आते थे यहाँ पहुंचने के बाद इस स्थान पर उस पर क्या होता था दबाव बढ़ जाता था और नाव क्या होती थी जो जहाज थे पानी वाली वो डूबने लगती थी उसको हल्का करने के लिए उस पर जो घोड़े लगे होते थे उसे उठाकर कहाँ फेंक देते समुद्र में फेंक देते थे क्यों ताकि उनकी नाव हल्की हो सके नाव हल्की हो सके इसलिए यहाँ के घोड़े को समुद्र में फेंकते थे इसलिए इस अक्षांश को अश्वच्छांद के नाम से भी जानते हैं अश्वच्छांद 30 से 35 डिग्री को हम क्या कहते हैं अश्वच्छांद कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ पे वायु दाब अधिक हो जाता है ठीक वायु दाब अधिक होने के कारण क्या होता था यहाँ पे नाव पे जहाज पर प्रेशर ज्यादा हो जाता था नाव डूबने लगती थी हल्का करने के लिए जहाज पे लदे भारी सामानों को समुद्रों में फेंक देते थे भारी सामान के साथ साथ घोड़े उनके पास ज्यादा होते थे घोड़े फेंकते थे इसलिए इस अक्षांश को हम क्या कहते हैं अश्वच्छांश के नाम से भी जानते हैं फिर वापस आइए अब क्या लिखे आप लोग उत्तरी गोलार्ध में असल के अधिकता के कारण
एक बात और, अगर इसको पूरा हम ग्लोब मान ले, मान लेते हैं ये पूरा ग्लोब है, ठीक, पूरे ग्लोब में खड़े हो जाइए पीछे, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ, क्या नाम है? हाँ, कितने महाद्वीप है पूरे ग्लोब पर? हाँ कितने हैं, कितने महाद्वीप हैं बताया, नहीं सुनाई नहीं दिया। पिंटू आप खड़े होइए, सात, सातों के नाम बताइए, बैठ जाइए। हम आपसे तेज सुनते हैं, हाँ कितने हैं, हाँ कौन नाम बताए? राजन जी आप बताएं, बैठ जाइए। सातों महाद्वीप के नाम बताएं, याद हो गया पीछे आप लोग से पूछे, मिल गया नहीं मिला? चलिए सात महाद्वीप की स्थिति पूरे ग्लोब पर देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पे एशिया, यहाँ पे यूरोप, यूरोप और एशिया, यहाँ पे ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, ठीक, बीच में भी भूमध्य रेखा है, यहाँ पे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ठीक, कंबोडिया, ये सब हो गया आपके। फिर इधर आएंगे अफ्रीका महाद्वीप, ज्यादातर हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में, फिर दक्षिण अमेरिका, 20 से ज्यादा हिस्सा यहाँ, और फिर नीचे ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो अगर पूरे ग्लोब पर देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल ज्यादा है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में किसकी प्रधानता है? जल मंडल। अगर पूरे ग्लोब पर स्थल मंडल को देखना चाहें तो अगर यहां से 0 डिग्री निकाल दिया जाए, ये 0 डिग्री रेखा है, 0 डिग्री ऊपर अगर हम देखते हैं तो हमें एक बात दिखाई देती है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल ज्यादा है, जल मंडल कम है, जबकि इसके ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, कहां? दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं, यहां पर देखते हैं जल मंडल ज्यादा है, स्थल बस थोड़ा सा। तो यहाँ पे एक बात और स्पष्ट हो गई, उत्तरी गोलार्ध में स्थल मंडल की प्रधानता है, जबकि दक्षिणी मंडल में किसकी? जल मंडल की प्रधानता। आगे पढ़िए। जबकि शीत ऋतु में हवाएं अधिक सक्रिय हो जाती हैं। अब देखिए, अब स्थल मंडल में, अब हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं, उत्तरी गोलार्ध में एक चीज देखा हमने, स्थल मंडल की प्रधानता है। तो स्थल मंडल की एक खास बात होती है, आप इसको समझने का प्रयास करिएगा। जब सूर्य किरणें पृथ्वी पे धरातल पर सीधी चमकती हैं, एक तरफ जल होता है नदी और एक तरफ आपकी स्थल, दोनों में सबसे पहले कौन गर्म होगा? स्थल जल्दी गर्म होगा, जल नहीं गर्म होगा। ऐसा तो नहीं जितना देर भूमि गर्म होती थी पानी खोलने लगेगा नदी का, तो मतलब स्थल जल्दी गर्म होता है किसके अपेक्षा? जल। तो जब सुबह धूप पड़ती है तो क्या होता है, सुबह से लेकर दोपहर तक स्थल क्या होता है? जबकि पानी अभी, जब पानी गर्म होना शुरू होता है रात 7-8 बजे से, तब स्थल क्या होने लगता है? एक बात और स्पष्ट हुआ कि स्थल जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि जल देरी से गर्म होता है, जल धीरे से। तो ठीक इसका विपरीत होता है कहां पे, जहां पे स्थल मंडल की प्रधानता होती है शीत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में, वहां पे स्थल और जल, तो जो गर्म ठंडा होने का होता है यह एक दूसरे के विरोधाभास या विपरीत होते हैं, ठीक। इसलिए जो हवाएं चलती हैं सतत रूप से क्या होती है, जब गर्मी चलती है क्या पड़ती है? गर्मी। जब गर्मी पड़ेगी हवाएं गर्म होकर कहां उठेंगी? ऊपर। तो वहां पे स्थल पे क्या बनेगा? निम्न वायदा। जबकि जल अभी गर्म नहीं होगा उतनी जल्दी, वहां क्या बनेगा? उच्च वायदा। और हवा किधर किधर चलेगी? उच्च वायदा से, माने सागर से, जो सागर से हवाएं उठेंगी उसमें क्या रहेगा? नमी। और जब स्थल की तरफ आएंगे क्या बनेगा? इसलिए एक बात और स्पष्ट हुआ, देख लीजिएगा खूब ध्यान से, पूरे जीवन काल से दिक्कत हो जाएगी। विश्व में जितने भी देश हैं, जैसे यहां से प्रशांत महासागर जलवाष्प उठेगा कहां जाएगा? उत्तरी अमेरिका की तरफ, तो कहां वर्षा करेगा? कि हमारे किधर किधर बढ़ेंगी? निम्न, उच्च से, उच्च से, उच्च से। इसलिए सबसे ज्यादा वर्षा सभी महाद्वीप के पश्चिम किनारे पर होगी, बात समझ लीजिएगा। इसलिए भारत में भी सबसे पहली वर्षा केरल के तट पर 1 जून को होती है, जो पश्चिम में है।
ये पूछा प्रश्न है कि भारत की सबसे पहली वर्षा कहाँ होती है? केरल में होती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पश्चिम होगी। क्यों? हमारे किधर से किधर चल रही है, यहाँ देखिएगा, अभी हम आगे चित्र बना के दिखा रहे हैं आपको, हमारे किधर से किधर चलती है। ठीक, ये भाई आरटीसी जेड होता है, वो सब आपको नहीं पढ़ना है, उतना डीप में आपको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो बस इतना जान लीजिएगा कि यहाँ पे इसकी प्रधानता स्थल की, और जब शीत ऋतु में तो यही बताया जटिलता होती है। कोई पूछा था जटिलता मतलब क्या है? ठंडी में बदल जाएगी, गर्मी फिर बदल जाएगी, जबकि हमें जानते हैं यहाँ पे कौन सी पौनी चलती है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे जटिलता यही हो जाती है कि जब गर्मी आती है स्थल जल्दी से गर्म हो जाता है, जबकि जल ठीक तो ये गर्म होकर हल्का हो जाता है, यहाँ पे हवा ऊपर उठ जाती है, और इधर से जब हवाएं चलती हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में इनकी वजह से क्या होता है, जितनी भी वर्षा होती है महाद्वीपों पे और पश्चिमी किनारे पर होती है। भारत भी इसका उदाहरण है, क्योंकि भारत में पश्चिम में जो वर्षा होती है वो किस लिए होती है? इसी के कारण। कहाँ पे? केरल में। जबकि संपूर्ण भारत में लगभग 22 जुलाई तक पूरा वर्षा हो जाता है, लेकिन भारत की पहली वर्षा 1 जून को फिक्स है। परीक्षा में आएगा 1 जून केरल के तट पर हो जाती है, कभी कभी 8-7 घंटा पहले, 8 या 7 घंटा बाद। और आगे क्या लिखा हम लोगों ने? जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसका उल्टा होता है, क्योंकि हवाएं प्रचंड रूप से तेज गति से चलती है, क्योंकि उनमें कोई अवरोधक उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि लगातार लो या हाई प्रेशर एक जगह, जहां पे स्थल है, स्थल थोड़ा सा चारों तरफ, तो एक ही जगह लो है, बाकी जगह हाई, हवाएं क्या होंगी? तेजी से उस स्थान को भरने के लिए चलेंगी, इसलिए हवाएं जो वहां चलती है वो खूब तीव्र गति से चलती है, तूफान रूप। भाई हवा तेज चलेगी तो उसे क्या कहते हैं? आधी तूफान कहते हैं। धीरे चलती हवा चल रही है तो आपकी जो हवा होती है प्रचंड रूप धारण कर लेती है, जिसे हम तूफान की संज्ञा देते हैं, या यह कहते हैं कि दक्षिण में जलमंडल की प्रधानता कारण वहां पे जो हवाएं चलती हैं उनकी गति तीव्र होती है, इसलिए वहां तूफान चलती है। ठीक, अब तूफान के भी अच्छांसी रूप से नाम है। शुरुआत में 0 डिग्री से लेके लगभग 30 से 35 डिग्री तक स्थल मंडल की वहां भी प्रधानता है, जबकि उसके बाद जल मंडल की प्रधानता हो जाती है, इसलिए उसके अक्षांश के नाम पर उसके नामकरण रखे गए हैं। जैसे 40 अक्षांश पर जो हवा चलती है दक्षिणी गोलार्ध में, उसे क्या कहते हैं? गरिष्ठी चालीसा। क्या कहते हैं? गरिष्ठी चालीसा। चालीसा याद रखिएगा, गरिष्ठी चालीसा। क्या कहते हैं? गरिष्ठी चालीसा। और आगे क्या है? 50 अंश पे प्रचंड 50। देखिए 40 पर गरिष्ठी चालीसा, गरिष्ठी चालीसा, 50 पे पास से 50 प्रचंड, ये पूछता है प्रचंड 50, और 60 पर चीखता 60। ये याद रख लीजिएगा, यह तीन सबसे ज्यादा बड़ी परीक्षाओं में जो हवा से प्रश्न आते हैं, यह प्रश्न पूछता है इतने अंश पे कौन सी हवा चलती है। तो फिर से गरिष्ठी चालीसा, गरिष्ठी चालीसा 40 अंश पे, प्रचंड 50 50 अंश पे, और चीखता 60 अंश। ये हवाएं इतनी तीव्र गति से चलती हैं, उनके वेग के आधार पर उनके नामकरण किए गए। बस खत्म। हाँ, वो एक राजधानी पड़ती है वेलिंगटन। हाँ, एक वेलिंगटन राजधानी है न्यूजीलैंड, एक देश है वेलिंगटन, एक राजधानी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड कहाँ है? यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, उसके ठीक सामने पतला सा नोक की तरह निकला न्यूजीलैंड। जैसे भारत के संदर्भ में श्रीलंका, भारत देख रहे हैं, भारत के संदर्भ में जैसे श्रीलंका है, वैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संदर्भ में न्यूजीलैंड है, उसकी वेलिंगटन एक राजधानी है। उस राजधानी से कौन सी गुजरती है? गरिष्ठी चालीसा वहां से गुजरती। माने मात्र ऐसा देश की राजधानी है जो उसके मार्ग में पड़ती है, वो कौन है? गरिष्ठी। ठीक, चालीसा ऊपर, ये दक्षिण गोलार्ध में नीचे, और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा? स्थल की प्रधानता है, तो वहां पे क्या मिलेगा? मैंने ऊपर पहले बताया जटिलता है, पूछा जटिलता क्या होगी। ठीक, समझ में आया? यहाँ तक कोई समस्या हो तो पुनः इसको ड्रा कर दे, ड्रा करने बाद पता, क्योंकि इसी के आधार पर ये है। जैसे ये पूछ लेगा सर, दक्षिणी गोलार्ध, ये सारी दक्षिणी गोलार्ध की मैंने पहले बता दिया। क्यों है? मैंने ये भी बता दिया क्योंकि यहाँ पे स्थल मंडल क्या है, कमी है, जल मंडल की प्रधानता है, हमारे खूब तेज गति से कई जगह भागना है। ठीक, जैसे पता चले कि एक ही दिन आपके गाँव में 2-3 शादियां खाने की व्यवस्था रहे तो भीड़ क्या हो जाती है? बट जाती है उत्तरी गोलार्ध की तरह, और पता चला गांव बहुत बड़ा और एक ही जगह व्यवस्था, तो कितनी गति से तीव्रता होगी भाई यहाँ है, उसकी तीव्रता आकलन यही लगा सकते हैं। हाँ।
खत्म हो जाए, जो भी होगा यही चीज है, क्योंकि यहाँ पे स्थल मंडल की प्रधानता कम है, जल मंडल की अधिक है। अब आते हैं इसे एक बार और ड्रा करते हैं, क्योंकि एक चीज हम और आपको आज यहाँ बता देंगे, ये कॉन्सेप्ट क्लियर, क्योंकि इसी के आधार पर ये है, इन्हीं हवाओं क्या कहते हैं। अब देखिए ये कितनी है, 30 से 35, ये है 30 से 35, ये है 0 से 5, इसे क्या कहते हैं, ठीक। और आगे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्या है अब 60 से 65, और ये क्या है ध्रुवी, यहाँ भी हो गया ध्रुवी, और यहाँ भी हो गया ठीक। अब यहाँ पे इसे कहते हैं, अब इसका नाम अगर आप लिखे नहीं हो तो लिख लीजिएगा, इसे कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, इसे क्या कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी 30 से 35, इसके ऊपर उपद्रोवी निम्न वायुदाब, जब ये निम्न है और ये, अरे यार कहां यार गलत बता दिए, था निम्न होगा तो हवाएं कहां से आएंगी, यहां से निम्न की तरफ, जब उच्च से निम्न की तरफ आएंगी उत्तरी गोलार्ध हवाएं किधर घूमती हैं, कैसे घूमेंगी, कैसे दाएं घूमेंगी ना, दाएं घूमेंगी ना, देखिए उत्तरी गोलार्ध में ये ना अब एक बात और स्पष्ट हुआ, ध्यान देखिएगा, खूब ध्यान से देखिएगा, जो मैं आपको बताने के लिए एक चित्र बनाया और ऐसा कोई रोल नहीं, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाएं घूम जाती है लेकिन किस दिशा में हवाएं चली, ध्यान देखिएगा क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त देख रहे ना, किधर घूम रहे हैं क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त, देख लीजिए इसको, ये क्लॉकवाइज या, क्योंकि अभी आगे चक्रवात ही पढ़ना है इसलिए मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, हवाएं किस दिशा में घूम रही है क्लाक, देख रहे हैं इधर से आ रही है फिर यहाँ पे बैठेंगी फिर चलेंगी, हवाएं किस दिशा में घूम रही है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध हवाएं अपने किधर घूम जाती है, बाएं, अब हवाएं कहाँ, इधर से इधर चलेंगी, किधर चलेंगी, नीचे तरफ, इधर से किधर आएगी, इधर जाएगी, इधर से घूम रहे बाएं हाथ इधर होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज, अब यहां से भी हवाएं आएंगी कहां से, ध्रुव से, इसे कहेंगे उपध्रुवी हवाएं, अब यहां से यहां तक सब चुमाए था क्योंकि बर्फ से ढकी है, तो फिर हवाएं किधर चलेंगी, दक्षिणी गोलार्ध हवाएं किधर घूमेंगी, तो किधर चलेंगी, और यहां इधर 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 इस दोनों डायग चित्र को ड्रा कर लीजिए, यह पूरे हवाओं का वितरण पूरे ग्लोब पर है, इसके बाद बहुत सारे स्थानीय पॉइंट उसको पढ़ेंगे हम लोग कल, ठीक, स्थानीय पॉइंट के बाद फिर पढ़ेंगे कहाँ कहाँ नापा जाता है, आइसोबार क्या है, समदाब रेखा किसे कहते हैं, सबको कल पढ़ लेंगे, ये प्रमुख पॉइंट ऐसे थे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी थे और काफी समय से पेच थे जिसको मैंने समझाने का पुनः प्रयास किया, एक बार चित्र को ड्रा कर लीजिए, जहां पे नहीं समझ में आएगा मैं पुनः आपको दोबारा समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, कब तक, जब तक आपको समझ में ना आ जाए, क्योंकि यह दोनों ऐसा है खिचड़ी ऐसा लगता है, और एक बार समझ में आ गया पूरे जीवन काल आप नहीं भूलेंगे किसी भी किताब से आप पढ़ लें।